नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार से फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं शाम को 4 बजे से। आज आया हूं मैं, पहली नवरात्रि है हमारे इष्ट देव के मंदिर में, तो आइए दिखाते हैं आपको इष्ट देव के दर्शन भी करवाते हैं ब्लॉग के माध्यम से। कोई बात न है, ये गंगनाथ जी के मंदिर में सबसे पहले जब प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहले देवी के मंदिर में आप आए, और सबसे पहले देवी के मंदिर में जाया जाता है, उसके बाद फिर गंगनाथ जी के मंदिर में जाया जाता है। ये है धामी जी, यहाँ के पुजारी नवरात्रि में बैठे हैं। जय हो। तो ये है माँ भगवती का मंदिर, यहाँ पर सबसे पहले गंगनाथ मंदिर में आने से पहले पूजा यहाँ पर की जाती है। तो मित्रों, ये है भगवती का मंदिर, जब भी आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा कीजिए, उसके बाद भवनाथ जी के मंदिर पर पूजा की जाती है। तो ये है माँ भगवती के मंदिर में आने वाला गेट, और ये यहाँ की घंटी और बड़ी ज़बरदस्त चंदोला जी के द्वारा यह गेट बनाया गया है। तो ये है गंगनाथ जी का सुंदर सा प्रांगण। और दोस्तों, अभी आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये है हमारा जप्ती साल कहते हैं, जहाँ पर हमारे पहाड़ों में जो डांगर है वो डांगर यहाँ पर नृत्य किया करते हैं। और जिस दिन पंचमी को यहाँ काठ का दीपक आता है 22 रात का, तो इसी दीप्ती साल में धूनी जलती है, और ये दीप्ती साल पर दिया जला के फिर यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको न्योता दिया जाता है। तो उसको दिखाएंगे आपको पंचमी की ब्लॉग में। तो ये है हमारा धनलाल जी का सुंदर सा प्रांगण, और बड़ा शांति और सुकून से भरा यह मंदिर। कभी अब आते हैं तो देखिए यहाँ की शांति, कितनी शांति है इस मंदिर में। ये है धौलनाथ जी का प्रवेश द्वार, और सुंदर से गेट है यहाँ पर, 2 गेट, एक गेट जो अंदर प्रवेश किया जाता है, दूसरे से बाहर आ जाता है। और जो बीच का गेट आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर हमारा काठ का दीपक पंचमी के दिन खड़ा किया जाता है, इसके ऊपर से उस 22 रात के दीपक को फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। ये है हमारा इष्ट देव धौलनाथ देवता का मंदिर, और कई ग्राम सभाओं के लोग उनका यह आराध्य देव, और सुंदर से फूल मालाओं से सुशोभित किया गया है मंदिर को नवरात्रि के लिए। और आज से यहाँ पर 10 दिन की नवरात्रि होगी, और सभी भक्तों की मनोकामना धौलनाथ देवता पूरी करें। तो ये है हमारा सुंदर सा धौलनाथ देवता के मंदिर का प्रांगण, और इसके चारों ओर सुंदर से धर्मशाले, और ये है मंदिर की सजावट जो नवरात्रि में कर रखी है। रात्रि के समय काफ़ी दर्शनीय यह मंदिर रहता है। अब बना रहा हूँ मैं ब्लॉग। सर, क्या क्या सेवा किया आज आपने यहाँ पर? आपका दायित्व तो नीचे भी है, नीचे वाले कह रहे हैं याजी कहाँ है, याजी दिख नहीं रहे हैं। माला वाला लगाई थी, तो ये हैं हमारे ललित दफूला जी, भक्त हमेशा यहाँ पर बैठते हैं धौलनाथ जी में। सर, आप कब पहुँचे यहाँ पर आज? अच्छा, आप बागेश्वर जी गए थे। चलो ठीक है। और मोहित कहाँ बैठ रहा है? नीचे। अच्छा अच्छा, ठीक है ललित भाई, 10 दिन की सेवा है इसलिए, फिर 10वें दिन फिर वहाँ मिलेंगे। अब आ गए हमारे हरदा। हरदा, और नवरात्रि मुबारक हो यार आपको। और ठीक हो रहा है? भोग भोग ठीक है, रखिए बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो ये हमारे सेवक हैं धौलनाथ जी के, सबसे बड़े सेवक यही हैं। हम तो आते हैं जाते हैं, पर ये दिन रात लगे रहते हैं। हैं पुजारी जी, बहुत बड़ी सेवा करते हैं हरदा। तो वहाँ पर धामी जी हैं। हाँ, सेवा में ही निवा है।
तो ये है हमारे इष्टदेव का मंदिर, जहाँ नवरात्रि का पहला दिवस है, तो हम भी दिया बाती करने आए थे। बाकी हमारे गांव के भक्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भक्ति के बैठे हुए हैं और पोखरी वाले बैठे हुए हैं, तो सभी भक्त यहाँ पर नवरात्रि में नव दुर्गाओं की पूजा, और जब दशहरा होगा उस दिन यहाँ पर उस दिन नवरात्रि समाप्त होंगी, पर यहाँ पर दशहरे के दिन नवरात्रि समाप्त होगी। जो बैस होती है हमारे जो ग्राम देवता में होती है, वहाँ 11वें दिन भंडारा होता है, यहाँ 10वें दिन भंडारा हो जाएगा। तो दोस्तों, भोलेनाथ जी की जो मुख्य शक्ति है, इस बांज के पेड़ के तपस्या कर रहे थे तो इस जंगल में आग लगने के कारण तब यहाँ से वो प्रकट हुए, और उस समय से यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे वो आग बुझाने आए थे, साथ में उनके साथ भोला लोग आए थे और पोखरी के चंदेला पंत लोग, और उनके द्वारा यहाँ पर आग बुझाई गई। तब से हमारी यह मंदिर में आस्था भी है और हमेशा यहाँ पर हमारे आराध्य देव के रूप में ये पूजे जाते हैं, और साथ में पंचमी के दिन एक भव्य 22 हाथ का लकड़ी का पाठ का दीपक यहाँ पर आता है और उसकी परिक्रमा होती है, और वह इसका पूजा का साधन है और वही इसका मुख्य दीपक है, और उसी की जो है वर्षों से वह परंपरा चली आ रही है कि 22 हाथ का पाठ का दीपक। कहते हैं उस समय जो भोला लोग हमारे झूला बनने के साथ आया था, वो एक मसाल लेके आए थे, और वो मसाल यहाँ आते आते 22 हाथ का हो गया, और तब से यह परंपरा चली आई है कि यहाँ पर 22 हाथ का दीपक बन के आता है, और उसके चारों ओर परिक्रमा होती है। जो सामने गेट दिख रहा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, जो ये वाला गेट है ठीक इसके ऊपर में 3 लोग इस 22 हाथ के मसाल को खड़ा करते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर से यह मसाल इस प्रांगण में आती है, और फिर यहाँ बाएं तरफ से इसकी परिक्रमा होती है, और पहले परिक्रमा इसकी 1.5 चक्कर की होती है, और 1.5 चक्कर की परिक्रमा इसकी 4:00 की आरती के समय होती है। तो यह हमारी भोलेनाथ जी की संक्षिप्त कहानी है, जिसको मैंने आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताया है। तो ये जो अकोल है, कहते हैं कांड कालों से यह भूमि जो है इस अकोल भर चांदी के सिक्के देकर खरीदी गई थी, और यहाँ सबसे पहले भोग कांडपाल लोगों का लगता है, उसके बाद फिर हमारा लगता है, उनकी भूमि होने के कारण पहला भोग उनको दिया गया है, दूसरा भोग हमारा जाता है। तो परिक्रमा करके फिर इस तरफ से बाहर निकला जाता है, तो ये इस बार इसमें थोड़ा सा नया ये बनाया गया है घंटी लगाने के लिए, और यहाँ से जाता है हमारा भोलेनाथ जी को जो भोग चढ़ता है, खीर का भोग, शुद्ध गांव के दूध का जो भोग बनता है पंचमी को, नाग पंचमी को, ऋषि पंचमी को और कार्तिक पूर्णिमा को 4 भोग लगते हैं, और यहीं से वो अंदर जाता है।